भगत पीपा जी। भगत पीपा जी भगती लहर के प्रमुख संतों विचों एक सन। उन्हां दा जन्म 1408 ईस्वी विच राजस्थान विच कोटा तो 45 मील पूर्व गंगरौंगड़ रियासत विच होया। उन्हां दे पिता एक राजा सन। भगत पीपा जी दीआं 12 राणियां सी, जिन्हां विचों एक पत्नी सीता जी ने उन्हां दा अंत तक साथ दित्ता। भगत पीपा जी दा एक पुत्तर राजा द्वारका दास सी। पीपा जी शुरू विच दुर्गा दे पुजारी सन, पर इत्थों उन्हां दी तृप्ति नहीं हुई। उस वेले दे होर राजे ते उन्हां दे अहलकार अपने सुखां लई परजा उपर हर किस्म दे जुल्म करदे सी, पर भगत पीपा जी चंगी रूह सन। पीपा जी दा झुकाओ शानो शौकत विच रहण दे बावजूद भी अध्यात्मकता वल ज़्यादा सी। बचपन तो ही वह वैरागी सुभा दे सन। उन्हां दी साधुआं योगियां सन्यासियां दी सेवा करन विच बहुत लगन सी। बाहर दी हर खुशी इन्हां दे कोल सी, पर इन्हां दीआं मन दीआं लोड़ां कुछ होर सन। इन्हां दा मन हमेशा किसी आत्मक खुशी की तलाश विच भटकदा रहिंदा सी। एक बार एक साधुआं दी मंडली उन्हां दे रियासत विच आई। उन्हां ने भजन कीर्तन किया अते उन्हां दे चेहरे दा नूर देख के भगत जी ने उन्हां तों पुछया कि मेरे कोल दुनिया की हर चीज़ है, पर फिर भी हमेशा आसांत रहिंदा हाँ। पर तुहाडे कोल कुछ भी नहीं, खाली हत्थां नाल भी तुसी खुश ते शांत किवें रह लैंदे हो, इस दा की कारण है? ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਰਾਣੀਆਂ, ਰੱਥ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ। पीपा जी ने जवाब सुन के अपने सारे हाथी घोड़े रथ राणियां सब कुछ वापस भेज दिता, पर उन्हां दी इक राणी जिसका नाम सीता सी ओह वापस नहीं गई। ओह यह कह के रुक गई कि पति तो बिना महिलां दी शानो शौकत किस काम दी, अते उन्हां ने अपनी सारी दौलत जो नाल लैके आए सी गरीबां विच वंड दित्ती। रामानंद जी दे हुक्म अनुसार ओह खूह विच छलांग मारन लई दौड़ पए। जदों रामानंद जी अंतर ध्यान विच सन तां उन्हां ने सब कुछ वेख्या ते भगत पीपा जी नूं खूह विच डिगण तों बचा लिया। उस तों बाद उह रामानंद दे चेले बन गए अते राजभाग छड्ड के अध्यात्मकता दी तृप्ती लई तीर्थ यात्रा ते निकल पए। उह बाणी रचदे गए, प्रभु दे गुणां दा गायन करदे ते लोड़वंदां दी सेवा करदे। द्वारकापुरी दी यात्रा समें एक मित्र दी सहायता करन लई दोनों पति पत्नी ने नाच गाणा वजा के धन इकट्ठा किया। इस घटना की याद विच इत्थे पीपा वत्त नां दा मठ बनिया है। गंगरौंगड़ विच अज भी उन्हां दी गद्दी कायम है। तीर्थ यात्रा तो बाद फिर वह अपनी पत्नी सीता दे नाल टोडा नगर राजस्थान दे एक मंदिर विच रहन लगे। गुरु नानक देव जी ने आप जी की रचना आप जी के पोतरे अनंत दास दे कोलों टोडा नगर विखे प्राप्त की। इस गल का प्रमाण अनंत दास द्वारा लिखी परचई के 25वें प्रसंग तो मिलता है, जिस विच उन्होंने लिखा है कि पंचनंद पंजाब तो एक नौजवान योगी ने यह रचना उस पासों लई सी। इस रचना नूं बाद विच गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच जगह दित्ती। पीपा जी की रचना विच अवतारवाद की थान निर्गुण निरंकार परमात्मा की उपासना अते गुरु के महत्व उत्ते जोर दिता गया है। पीपा जी के नां नाल संबंधित दो पोथियां श्री पीपा जी बाणी अते सर्व गुटका का जिक्र मिलता है, पर अजे तक इसकी उचित ढंग नाल संपादना नहीं हुई। अपने 7 रागां विच 21 पड़ियां अते 11 साखियां दोहरियां की रचना की दसी जाती है। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे तनासरी राग पन्ना 695 विच संकलित एक शब्द मिलता है, जिस विच रहाओ दियां 2 तुकां तो इलावा 2-2 तुकां दे 2-2 पदे हन। उन्हां दी भाषा उत्ते राजस्थानी प्रभाव साफ नज़र आउंदा है।